आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो दाल कचौड़ी की रेसिपी है। आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने 3-4 घंटे चने की दाल को सोख करके रख लिया था। तो अब मैं इसको आपको कुकर में उतना ही पानी डालना है कि इसमें बिल्कुल पानी ना बचे, पूरा पानी रिड्यूस हो जाए, वरना फिर आपका दाल पानी सूखने में टाइम ले लेगा तो फिर उसका वो टेस्ट चला जाएगा, तो अच्छा नहीं हो पाएगा वो। इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। टेस्ट के हिसाब से नमक डालूंगी मैं इसमें, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, वो आप बाद में चेक कर सकते हैं। और इसको कम से कम 5 से 6 विसिल आने तक मैं इसको कुक करूंगी। तो इसको मैं गैस स्टोव पे चढ़ा देती हूँ, 5 से 6 विसिल आने तक मैं इसको कुक करूंगी। अभी हम दाल मेरा बॉयल हो गया है यहाँ पे, और अब हम इसका स्टफिंग तैयार करेंगे चने की दाल का। तो मेरा तेल कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, डालूंगी कढ़ाई पे ताकि मेरा दाल में जब डालूं तो इसमें चिपके नहीं। मैंने जिस कढ़ाई में सब्जी बनाई थी वही ले लिया है, वही कढ़ाई यूज कर रही हूँ। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा, फ्राई हो जाए डालूंगी कटा हुआ प्याज, इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज, इसको फ्राई करूंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हमें फ्राई करना है। गोल्डन हो गया है, अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। धनिया पाउडर वैसे मैं हमने दाल के अंदर डाला था, लेकिन अभी भी डालेंगे। थोड़ा सा मिर्ची, तीखा अपने अनुसार बनाना आप, और हल्दी पाउडर। नमक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि नमक ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है, तो आप अपने हिसाब से डालेंगे। ये डालूं जीरा पाउडर, गरम मसाला, और अब इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करना है, मसाले हमारे तेल छोड़ने लग गए, आप देख रहे हैं। जब आपका तेल छोड़ने लग जाए तो आप समझ जाना कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसके अंदर ऐड करते हैं। मैश करूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पानी दाल का रिड्यूस हो गया, थोड़ा सा और होगा क्योंकि इतना लूज तो पूरी के अंदर आटे के अंदर जाएगा नहीं है, तो थोड़ा सा और इसको हमें देखिए मेरा ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है मेरा, क्योंकि ठंडा होगा तो ये अपने आप ही थोड़ा और टाइट हो जाएगा, जैसा हमें चाहिए वैसा ये थोड़ा सा टाइट होने के बाद ये हो जाएगा। इसको अच्छे से मारने में चलाने में, और ये मेरा रेडी है। अब मैं कचौड़ी के लिए आटा तैयार करूंगी, तो उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन ऐसे हाथ पे क्रश करके,
थोड़ा सा काली जीरे, थोड़ा सा नमक, आप पहले अपने दाल में नमक टेस्ट कर लेना, उसके हिसाब से ही नमक डालना। अगर दाल में ज़्यादा हो तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और मोयन के लिए थोड़ा सा तेल या रिफाइंड जो भी है, घी आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मोयन के लिए थोड़ा सा रिफाइंड घी कुछ भी। ये देखिए मेरा आटा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, ये लास्ट में इसलिए डालूंगी ताकि आटे के ऊपर पपड़ी ना पड़े। तो इसके साथ मैं इसको अच्छे से गूंथ के मिला लूंगी। तो अब हम अपनी कचौड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने अपना पैन चढ़ाया है, इसमें मैं अब रिफाइंड ऑयल डालूंगी। जब तक ये गर्म होता है तब तक कचौड़ी बना दें। ये लोई लेना है इस तरह से आपको, उसमें ये स्टफिंग भरनी है, इतना ही भरना जितना ये बन हो सके, नहीं तो आपकी कचौड़ी फट जाएगी। तो इसमें स्टफिंग अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से डालना। इसको बंद करके हाथ पे ही, इसको बेलना नहीं है, आप चाहो तो बेल सकते हो, बट इसको हम लोग हाथ पे ही ऐसे, ये थोड़ी सी मोटी मोटी होती है तो इस तरह से आपको बनानी है। और अब मेरा तेल गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा ऐसे ही, ऐसे ही एक दो और बनाएंगे और इसको इसमें डाल देंगे ऐसे। गीली रहेगी तो आपकी स्टफिंग अंदर जाएगी नहीं, तो आपकी स्टफिंग एकदम ऐसी होनी चाहिए। इसको अब मैं तल के निकालूंगी हल्का फुल्का, और इसको धीमी आंच पे पकाए तो ज़्यादा अच्छा है, तेज आंच धीरे से। पूरी गई है मेरी कचौड़ी अच्छे से, तो आपको एकदम ऐसे ही बनानी है। ये ओके, और मैं इसको अब इसके ऊपर टिश्यू पेपर के ऊपर मैं इसको निकाल लूँगी। आपको ऐसे इस कलर का हो जाए तो आप इसको निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ अभी दाल कचौड़ी के साथ मैं आलू और पटल की सब्जी बनाऊँ, तो मैं वो भी शेयर कर दूँ आपके साथ। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूँगी, सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा डालूंगी, तो जीरा अच्छे से भून जाए तो इसमें मैं पटल डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। तो जब फ्राई हो रहा है
देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो पटल था वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बर्तन में। इसी सरसों तेल में थोड़ा सा और मैं सरसों तेल ऐड करूंगी और कटा हुआ प्याज इसके अंदर ऐड कर दूंगी।